दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है। उत्तराखंड में चल रही योजनाओं पर चर्चा हुई है। कुंभ तैयारियों को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना पर भी बात हुई है। गंगा की निर्मलता को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा हुई है। गजेंद्र सिंह ने उत्तराखंड को पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। मुलाकात के बाद R9 टीवी से मुख्यमंत्री ने खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कहा, गजेंद्र सिंह से क्या बातचीत हुई, दिखा रहे हैं आपको। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ है सर। जल शक्ति को लेकर आज बैठक हुई, क्या कुछ था? नहीं, जल शक्ति मंत्री जी से हमारी भेंट हुई है और कुछ जो प्रधानमंत्री की हर घर जल की जो योजना है उसको लेकर उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। और दूसरा जो गंगा जी की निर्मलता को लेकर के है, कुंभ में मंत्रालय की ओर से क्या सहयोग हो सकता है, इन सारे विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। अभी उनके साथ एक और बैठक हमारी होगी और उसमें हम विस्तार से उस पर चर्चा करके, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि वो पूरा जो सहयोग है वो उत्तराखंड को करेंगे। लगता है सर कुंभ की तैयारी वक्त से पहले हो जाएगी इस बार? निश्चित रूप से होगी और हमारा हर काम समय पर होता है। सर उत्तराखंड का जिस तरह सैनिक एक पाकिस्तान में चला गया, उसके लिए कैसा काटे? देखिए, अभी ये आशंका है, अभी उसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है, लेकिन हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि उसकी हिफाजत के लिए वो हर कदम उठाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कुंभ को लेकर तैयारी जो है जोर शोर से चली और उम्मीद है वक्त रहते इसे पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 टीवी, दिल्ली। तो गंगा की निर्मलता को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तराखंड को पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। मुलाकात के बाद R9 टीवी से मुख्यमंत्री ने खास बातचीत भी की। उन्होंने भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए हर घर जल। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। कुंभ को लेकर भी बातचीत हुई। अमित जुड़ रहे हमारे साथ, अमित से जानकारी लेते हैं। अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं, जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हो गई, आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनका है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय से मुलाकात हो गई है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात हुई है, खासतौर पे जो कि पर्यावरण मंत्री है, दो मंत्रियों से यहाँ पे मुलाकात हो चुकी है और आगे का भी एजेंडा जो है कार्यक्रम वो उनका तय किया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की कई सारी योजनाएं हैं, चाहे वो जंगलों के लेके पूरा पहाड़ी इलाका है तो उसे लेके भी कई योजनाएं हैं। दूसरी सबसे बड़ी तैयारी जो है वो हरिद्वार कुंभ को लेके चल रही है, जिसे लेके जो प्रधानमंत्री ने खासतौर पर योजना चलाई है, नल से जल हर एक को मिलना चाहिए। तो कुंभ में पानी की व्यवस्था, इसके साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर ही कई मंत्रालय मर्ज किए गए हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो या अन्य विभाग हो, तो कई मंत्रालय मर्ज किए गए हैं। तो उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। हालांकि जो योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड की दी है, हर एक पे लगभग में केंद्र की सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई है और जल्द से जल्द उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस जानकारी के लिए। तो मुलाकातों का दौर दिल्ली में, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं, उन्होंने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। उधर R9 टीवी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की खास बातचीत हुई। तो गजेंद्र शेखावत ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बारे में बताया। सिंचाई और जल संसाधन से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। कुंभ से जुड़े कामों पर भी मुख्यमंत्री से बात हुई। टिहरी पर पुल बनाने का काम जल्द पूरा होगा। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की गजेंद्र शेखावत ने कही बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ है सर। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या कुछ योजना? देखिए, उत्तराखंड के जल से जुड़े हुए विषय, जो सिंचाई और जल संसाधनों के विषय, उन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। गंगा की सफाई और कुंभ के परिप्रेक्ष्य में जो जिन कामों को किया जाना, उनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। और जल जीवन मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे,
उसको लेकर के उत्तराखंड में राज्य ने किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के शुरुआत में उनको जो चुनौतियां आ रही उन सब विषयों पर भी हमने बात की। टेहरी डैम को लेके भी कोई चर्चा हुई है? हाँ, टेहरी डैम पूरा हो चुका है। टेहरी डैम पर अभी एक बड़ा बांध बन रहा है, बड़ा एक पुल बन रहा है और वो शायद मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वायर रोप ब्रिज होगा। उस ब्रिज का जो कम्प्लीशन पर है उसको लेकर के कि आगे उसका किस तरह से कार्यक्रम होगा उसको लेकर के उसके बारे में बात की। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से उत्तराखंड बर्फ गिर रही है, पानी पीने के लोगों को काफी दिक्कत होती है, जल शक्ति मंत्रालय चूंकि कई योजनाएं चला रहा है इसे लेकर भी आने वाले दिनों, मैंने कहा ना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञित हैं, करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसे वे पूरा करेंगे। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।